मुहूर्त संकल्प तत्कथा चाहंग महंकर से ओम श्री शांति कलश गणेश यहागत अतिष्ठत ओम एते जपिला श्री शांति कलश गणेशाय नमः ओम एते जपिला श्री शांति कलश गणेशाय नमः जल ओम इदम अर्घाचमनीयम श्री शांति कलश गणेशाय नमः ओम इदम प्रोणाचमनीयम श्री शांति कलश गणेशाय नमः ओम इदम विष्णानीयम श्री शांति कलश गणेशाय नमः फूल ओम इदम पुष्पम श्री शांति कलश गणेशाय नमः ओम इदम पुष्पम श्री शांति कलश गणेशाय नमः ओम इदम पुष्पम श्री शांति कलश गणेशाय नमः चंदन ओम इदम वसंत मालती सिंदूरम श्री शांति कलश गणेशाय नमः ओम इदम लेपनम वसंत मालती सिंदूरम श्री शांति कलश गणेशाय नमः ओम इदम लेपनम वसंत मालती सिंदूरम श्री शांति कलश गणेशाय नमः ओम कांडत कांडा तत्पुरंति पुरुष एवानो दुर्वे सहस्त्रेण शतेन च ओम दुर्वा पुराण मंगल प्रदान ओम श्री शांति कलश गणेशाय नमः माला एक दे दीजिए ओम इदम पुष्प माल्यम श्री शांति कलश गणेशाय नमः अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा अग्नि वर्चय ज्योति वर्ची स्वाहा ओम अग्नि ज्योति वर्चय ज्योति स्वाहा ओम इदम दीपम ओम दीपम दीपम दर्शयामि ओम दीपम श्री शांति एक आय मराठी बोलता था इकडे खा जाएंगे मलाई उसी में फर्स्ट फ्लोर पे ए विंग में फर्स्ट फ्लोर ट्राई स्टूडियो ए विंग खाना खाती है मेरा नाम शाह परदेसी है मैं नेपाल से आया हूँ और मैं आदिशक्ति बैनर में फर्स्ट मूवी करने जा रहा हूँ जो मेरा ये सोलो मूवी है देश प्रेमी देश प्रेमी किस तरह का मूवी होने वाला आज मुहूर्त है जैसे हम लोग का जो टाइटल है देश प्रेमी का पिक्चर भी हम लोग देश पे ही बना रहे हैं जो यहाँ पे जो पुलिस के ड्यूटी से लेकर हर एक चीज़ एक ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है वो चीज़ दिखाया गया है एक पब्लिक को मतलब अपने देश के प्रति कितना प्यार होना चाहिए वो चीज़ दिखाया गया है आपकी फर्स्ट मूवीज़ के लिए ऑडिशन दिए थे हाँ मैं नेपाल में काफ़ी पिक्चर कर चुका हूँ और मैं भोजपुरी में पहला करने जा रहा हूँ वो भी आदिशक्ति बैनर से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इसमें कुछ खास इसमें इस मूवी में देखा जाए तो हर एक देश प्रेमी देश के ऊपर कुछ नहीं काफ़ी पिक्चर ऐसे बने हैं लेकिन ये फिल्म थोड़ा अलग है भोजपुरी में भी क्यों अलग है ये एक ड्यूटी जनाता है कि एक पुलिस वाला का नहीं हर एक जनता का भी उतना ही कर्तव्य होता है जो एक पुलिस वाला का होता है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सॉरी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप किसके अलावा मैं आदि बैनर साथ ही एग्रीमेंट में अभी हूँ चार पांच पिक्चर तक ओके थैंक यू सर थैंक यू स्टार्ट है थोड़ा सा दूर करेंगे नमस्कार मैं पूनम दुबे अपने सभी दर्शकों को पहले प्रणाम करती हूँ अब पूछिए किस तरह का मूवी है ये देश के लिए आप किस तरह का किरदार निभा रही है इस मूवी में जी आपको नाम देखकर ही पता चल जाएगा कि ये देश के ऊपर है और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और हमारे डायरेक्टर एक्टर सभी बहुत अच्छे हैं और डायरेक्टर के मामले में मैं क्या बोलूँ मैंने उनके एक्शन में एक बार पहले काम किया था मैं उनके एक्शन डायरेक्शन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनके साथ काम करने जा रही हूँ हमारे हीरो तो सुपर स्टार हैं नेपाल के और स्टोरी फुल टू एक्शन है देशभक्ति के ऊपर है कुछ अच्छा देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को नेपाल का सुपरस्टार है और यहाँ भोजपुरी सुपरस्टार है कुछ कम क्या जी कुछ नहीं होता आप लोग दर्शक हैं नेपाल में भी दर्शक हैं इंडिया में भी हैं और फॉरेन में भी हैं तो उसी टाइप में अच्छा लगेगा कि हम उनके साथ काम करेंगे यहाँ का वहाँ का मिक्सअप होके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मेरे जोड़ी नंबर वन ये मोहब्बतें रंगदारी टैक्स और भी बहुत सारी फिल्में हैं मैं संजय पांडे इस फिल्म में विलन हूँ एज अ विलन ही भोजपुरी फिल्मों में लोग जानते हैं मुझे नेगेटिव किरदार है बहुत एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है जो जैसे कहा जाए कि वही मैंने कहा कि नेशनल लेवल का मामला ये स्टेट या कोई सिटी की बात नहीं है बहुत पावरफुल करेक्टर है डबल एज है इसका यंग एज भी है ओल्ड एज भी है और एक प्रकार से जितनी क्रूरता मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम हिंदी फिल्मों से रिलेट करें तो जस्ट लाइक अ मोगैम्बो तो इस कैरेक्टर के लिए आपने कुछ अलग प्रिपरेशन की
हमारा लुक पे काम चल रहा है अभी, मुझे डायरेक्टर साहब ने कुछ लुक भेजे हैं फिल्म में इस करेक्टर के, तो मुझे लुक तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सिंपल लुक से चलेगा नहीं काम, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ मामला है तो लुक अलग होगा, रूटीन से अलग होगा मामला। इस मूवी में पाकिस्तान के भी कुछ सीन दिखाई, ये अभी पूरा क्लियर नहीं है, पर मामला है इंटरनेशनल, जब देश का नाम आता है तो फिर हम शहर और कस्बे से और गांव से ऊपर उठ जाते हैं, फिर हम देश की बात करते हैं, और जब देश की बात करते हैं तो फिर देशद्रोही आते हैं, तभी तो देश प्रेमी बनती है फिर, तो देश प्रेमी नाम है तो ऑब्वियसली देशद्रोही होंगे इस फिल्म में। ओके सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी आने वाली है मेरी बम बम बोल रहा है, काशी मकामा 0 किलोमीटर, हीरोपंती, हीरोगिरी, और बहुत सारी फिल्में हैं, नाम पूरे याद नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा देखिए देखिए, अभी तो बोल दिया एक्सक्लूसिव ले रहे हो, पैसे अलग से लेंगे। ठीक है पूछते जाइए आप। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद, आदिशक्ति एंटरटेनमेंट हमारी कंपनी है, लगभग 45-47 साल से हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं। अगर भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो लगभग 105-106 फिल्में अभी तक हम एज प्रेजेंटर, एज फाइनेंसर, एज प्रोड्यूसर कर चुके हैं। सर देखा जाए तो 100 से ऊपर मूवीज़ की है, ये उनमें से कितना हटके होगा और क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए सिनेमा से ना मैसेज के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई भी सिनेमा अगर आप देखेंगे ना, जिसको लोग सिनेमा को अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं ना, उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होता है, कम से कम ये मैसेज तो है कि ऐसी फिल्में मत बनाओ नहीं तो आपका क्रिटिसिज्म हो जाएगा, ये मैसेज तो दे ही रहा है कि आप बहुत वाहियात में करें। अगर राम गोपाल वर्मा जी भी सॉरी बोल सकते तो हम भी बोल सकते हैं, फिल्म बनाने के बाद भी उन्होंने आग के बाद उन्होंने पब्लिकली माफ़ी मांगा था। तो क्या होता है कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट हमारे सटीक निशाने पर बैठेगा, कभी हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन हम लोग भाईचारे का मैसेज ज़रूर देते हैं। और कोई ना हर एक फिल्म में, चाहे जैसे भी फिल्म होगी ना, उस फिल्म के एंड में आप देखेंगे कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जरूर होती है, तो एक अपने आप में एक मैसेज होता है, और उस मैसेज में कई तक कई बार मैसेज अच्छी तरह पहुंचता है, कई तरह नहीं पहुंच पाता, हमारी कोशिश है। पब्लिक के ऊपर डिपेंडेड है, पब्लिक और कुछ कुछ हमारी मेकिंग पे भी हो जाता है, हमारी मेकिंग भी कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसमें देखा जाए तो स्टार कास्ट की बात करें तो नेपाल से भी आए हुए हैं डायरेक्टर, नेपाल के हैं। फिर इसके देखिए क्या होता है ना, आपको बताता हूँ, हमारे हमारे इधर ना, मैं भोजपुरी में थोड़ा सा फील कर रहा हूँ, हमारे सभी डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी डायरेक्टर होगा जिसने हमारी कंपनी के लिए नहीं किया होगा, सबके साथ, हमने दिनेश के साथ में 25-26 फिल्में की हैं, खेसारी के साथ में दर्जनों की हैं, सबके साथ में किया है, और सब हमारा परिवार है। पर क्या होता है ना कि हमने कई नए डायरेक्टर को चांस दिया है, तो इस बार जब हम इनका देखें, आप जैसे आप किसी फिल्म को देखेंगे लगेगा ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है, चलो इसको बुलाते हैं, जब इनका मैंने काम देखा तो हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि ये फिल्म हम एक तो नेपाल शूट करेंगे, ठीक है, वहाँ के टेक्नीशियन के साथ, उनके साथ इनका बहुत अच्छा रेपो है, और दूसरा ये गजब का टेक्नीशियन है, गजब का, तो कुछ ना कुछ नयापन तो लाएंगे ही ना, उस हिसाब से हमने इनको साइन किया है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट आधा दर्जन आप सुन लीजिए, सन ऑफ बिहार चल रहा है, त्रिदेव चल रहा है, उसके बाद किसका किसका चल रहा है, अभी मैं इसी फिल्म को सोच रहा हूँ, काफ़ी 8-10 फिल्में फ्लोर पे हैं लगभग। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम चंद्र पंत है, मैं नेपाल से आया हूँ, और मैं एक्शन डायरेक्टर के रूप में अभी तक काम कर रहा हूँ, और इस फिल्म से अब एज ए डायरेक्टर काम करने वाला हूँ। एक्शन डायरेक्टर काम कर रहे, तो इस मूवी में कितना एक्शन दिखेगा ये बताइए। ऑब्वियसली अब एक्शन डायरेक्टर की मूवी है, मैंने ऑब्वियसली अब एक्शन डायरेक्टर कोई फिल्म कर रहा है तो एक्शन तो अच्छा ही होगा, होना ही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हाई होता है ना। फिल्म आप देख सकते हैं देश प्रेमी है, तो नॉर्मल थोड़ा देशभक्ति टाइप से फिल्म भी है, मगर वो नहीं कि पूरा देशभक्त है, फिल्म लव स्टोरी एक्शन मूवी है, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, अब दादा हमारे साथ हैं तो ऑब्वियसली फिल्म अच्छी बनेगी, देखते हैं। इसमें एक तो आपके नेपाल से ही एक्टर हैं और बाकी के यही इंडियन हैं, कुछ डिफिकल्टीज? नहीं नहीं, मैं सबके साथ काम किया हूँ, मैं मनोज सर के साथ काम किया हूँ, संजय पांडे जी के साथ, पूनम के साथ काम किया हूँ, तो डिफिकल्टी नहीं होगी। सर मूवीज बनाने जाए तो फिर लोकेशंस की बात आती है, तो फिर आपने कौन कौन से लोकेशन चूज़ किए इस मूवी के? अभी तक हम लोग काठमांडू में प्लानिंग कर रहे हैं, नॉर्मली अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि शूटिंग कहाँ करना है, काठमांडू तो होगा ही, उसके बाद अब इसकी एक बार फाइनल कर लें, उसके बाद प्लानिंग करेंगे। कब तक फ्लोर पे आ जाएगी मूवी? ये हमारा जून के सेकेंड वीक से शूटिंग स्टार्ट होगा।